और अजमेर के केकड़ी से है, जहां लॉकडाउन में आवश्यक खाद्य सामग्री खरीद की छूट के दौरान प्रशासन ने एक दुकान पर अवैध रूप से गुटखा तंबाकू बेचते पाए जाने पर दुकान को सीज कर दिया। तहसीलदार कपिल शर्मा ने इस पर बताया कि तीन बत्ती चौराहे पर स्थित दुकान पर दुकान मालिक दीपक सिंधी अवैध रूप से गुटखा बेच रहा था। इसकी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि शहर में खाद्य पदार्थ के काम पर इनके नाम पर कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई आगे भी की जाएगी। मेरी गेट तीन बत्ती चौराहे पे दीपक सनौर जीवताम सिंधी के यहाँ आवश्यक सामग्रियों के नाम पर गुटखे जर्दे सिगरेट की बेचने की शिकायत हो रही थी कि ओवर रेटिंग और कालाबाजारी चल रही है। मौके पे आए तो यहाँ पे पूरी दुकान में रजनीगंधा, तुलसी, विमल, तंबाकू उत्पाद भरी, तो अभी फिलहाल दुकान को सीज कर दिया गया है।